दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ महासागर क्या है और ये समुद्र से कैसे अलग है। महासागर जलमंडल का वह भाग है जो धरती के 3/4 हिस्से से घिरा हुआ है। यह खारे पानी का एक विशाल क्षेत्र है, जबकि समुद्र जिसे कि सागर भी कहते हैं, ये विशाल जलाशय का हिस्सा है जो कि असंख्यक रूप से जमीन से जुड़ा होता है। समुद्र महासागर का हिस्सा होता है, या यूँ कहें कि महासागर के छोटे छोटे भागों को समुद्र या सागर कहा जाता है। दुनिया में कितने महासागर हैं, आज मैं आपको ये बात ही बताऊंगा। पृथ्वी में लगभग 72% भाग में पानी है, जिसमें से 97% हिस्सा महासागरों ने घेरा हुआ है। ऐसे में सिर यह उठता है कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? क्या एक ही महासागर इतना विशाल है जो पृथ्वी का इतना बड़ा हिस्सा घेरता है? जो आपके सवाल का उत्तर नहीं है। दुनिया में 5 महासागर हैं। धरती पर जलवायु और मौसम के प्रतिबिंब करने के लिए इन्हीं महासागरों को महत्वपूर्ण माने गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिन महासागरों के बारे में मैं आपको बता रहा था, उन महासागरों के क्या क्या नाम हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि दुनिया में 5 महासागर मौजूद हैं, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से हैं ये महासागर। तो पहले महासागर का नाम है इंडियन ओशियन, जिसे हम हिंद महासागर कहते हैं। दूसरा पैसिफिक ओशियन, जिसे हम हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं। तीसरा अटलांटिक ओशियन, जिसे हम अंध महासागर कहते हैं। चौथा आर्कटिक ओशियन, जिसे हम उत्तर ध्रुवीय महासागर कहते हैं। तो लास्ट है एंटार्कटिका ओशियन, जिसे हिंदी में हम दक्षिण ध्रुवीय महासागर कहते हैं। तो अब मैं आपको, पानी हिंद महासागर में ही है। हिंद महासागर विदेशी पौधों और समुद्र जानवरों की प्रजातियों में भी काफ़ी समृद्ध है। 8वीं शताब्दी से ही हिंद महासागर को एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने का एक बड़ा जरिया रहा है। भारत में कई बड़ी नदियां जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी आदि आकर हिंद महासागर में ही बलीन हो जाती हैं। अब मैं आपको दूसरे महासागर के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है प्रशांत महासागर और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। पृथ्वी का लगभग 30% हिस्सा प्रशांत महासागर से ही घिरा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल है, जो कि आपको स्क्रीन की डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, यह है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप की सीमाओं को छूता है। प्रशांत महासागर को 1521 में पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनैंड मैगलिन ने खोजा था। इस महासागर में 25,000 से भी ज़्यादा टापू मौजूद हैं। बता दें कि धरती पर सबसे गहरी जगह मैरीना ट्रेंच भी प्रशांत महासागर में ही मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरे महासागर में, जिसका नाम है अंध महासागर और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन, जिसे कि हिंदी में अंध महासागर कहते हैं, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। कहा जाता है कि सभी महासागरों में से सबसे गहरा पानी अंध महासागर का ही है। इस महासागर का कुल क्षेत्रफल है, जो कि आपको मोबाइल की स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अंध महासागर सभी महासागरों में सबसे पुराना है, जो कि डायनासोर के समय से है। इस महासागर में आज भी कई ऐसी चीज़ें दबी हुई हैं जो कि खोजकर्ताओं के लिए एक दिलचस्प विषय है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक भी अंध महासागर में ही डूबा था। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह बरमूडा ट्रायंगल भी अंध महासागर में ही मौजूद है। अब मैं आपको बताऊंगा चौथे महासागर के बारे में, जो कि है उत्तर ध्रुवीय महासागर, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं आर्कटिक ओशियन। उत्तर ध्रुवीय महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल है, जो कि आपको मोबाइल की डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। यह है महासागर अमेरिका, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, कनाडा और रूस जैसी देश की सीमाओं को छूता है। यह महासागर पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर स्थित है, इसलिए इस महासागर को अधिकतर हिस्से में बर्फ के ग्लेशियर ही देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि यह सभी महासागरों में सबसे ठंडा महासागर है। इतना ठंडा होने के कारण इस महासागर पर जीव जंतु बहुत ही कम पाए जाते हैं। सभी महासागरों में से सबसे कम खारा पानी इसी महासागर का है। अब है हमारा लास्ट महासागर, जिसका नाम है दक्षिण ध्रुवीय महासागर और जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं एंटार्कटिक ओशियन।
यह महासागर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल है जो कि आपको मोबाइल की डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। यह महासागर साउथ पोल में स्थित है, इसलिए इसे दक्षिण ध्रुव महासागर कहा जाता है। सदियों के समय से इस महासागर में अधिकतर हिस्सों में बर्फ जम जाती है। पेंगुइन की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ एंटार्कटिक द्वीप पर पाई जाती हैं, जो कि दक्षिण ध्रुव महासागर से ही लगा हुआ है। पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव के पास स्थित होने से इस महासागर के तापमान में एकाएक बदलाव होते रहते हैं, जिससे कि खोजकर्ताओं को इसके मौसम की स्थिति भाप पाना काफ़ी मुश्किल लगता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको विश्व में कौन कौन से महासागर हैं व इनके क्या क्या नाम हैं इसकी जानकारी हो गई होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप अन्य खबरों का लुत्फ भी उठा पाएँ।